कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। देखिए ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है ना कि अकाउंट, है ना। अब स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए स्टेटमेंट हमारा वो होता है जो किसी भी पार्टिकुलर डेट पे बनाया जा सकता है, जबकि अकाउंट जो होता है वो हमें ड्यूरिंग द ईयर जो भी पीरियड होता है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट वो होता है जो किसी भी डेट पर हमें इंफॉर्मेशन दे दे, जबकि अकाउंट क्या होता है, अकाउंट वो होता है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो ड्यूरिंग द ईयर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देखिए ट्रायल बैलेंस क्या होता है भाई, ट्रायल बैलेंस जो होता है वो एक स्टेटमेंट होता है ना कि एक अकाउंट होता है, ठीक है। अब स्टेटमेंट और अकाउंट क्या होता है भाई, स्टेटमेंट वो होता है जो किसी भी पर्टिकुलर डेट पर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, जबकि अकाउंट क्या होता है भाई, अकाउंट वो होता है जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो पर्टिकुलर पीरियड की इंफॉर्मेशन होती है ना कि पर्टिकुलर डेट की, ठीक है। अगर हम आम भाषा में कहना चाहें तो भाई ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये समरी होता है, ठीक है। ये समरी होती है वो भी किस चीज की, लेजर की, ठीक है। ये क्या होती है, लेजर की समरी होती है, मतलब लेजर की जो अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो भी बैलेंस निकल कर आता है उसको हम लोग इसके अंदर दिखाते हैं, ठीक है। फिर अब बात आती है कि भाई ये देखिए, अब बात आती है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्किंग पेपर होता है, ये डबल एंट्री का पार्ट नहीं होता है। देखिए हमारी बुक का नाम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम, है ना। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हर एक एंट्री का ड्यू इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ये जो ट्रायल बैलेंस होता है ये जस्ट एक वर्किंग पेपर है, ठीक है। ये हम लोग क्यों बना रहे हैं भाई, ये हम लोग इसलिए बना रहे हैं ताकि हम ये जान सके कि भाई हमारे लेजर जो है वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट है कि नहीं है, मतलब हमने किसी प्रकार की मैथमेटिकल एरर तो नहीं किया इसके अंदर, ताकि हम इसीलिए इसको बनाते हैं, ठीक है, ताकि हम ये जान सके कि इसके अंदर किसी प्रकार का मैथमेटिकल एरर तो नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है कि भाई ये हमारी मदद करता है क्या, एरर को लोकेट करने में हमारी मदद करता है भाई। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं भाई, पार्टली एरर कर देते हैं। पार्टली एरर का मतलब कि भाई हमने एक अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया और दूसरे अकाउंट में हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई हमने कोई भी एंट्री पार्टिकुलरली ओमिट कर दी है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या होता है कि भाई ये हमारी फाइनल अकाउंट बनाने में मदद करता है। फाइनल अकाउंट का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट इत्यादि बनाने में हमारी मदद करता है, ठीक है ना। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है ना कि अकाउंट। स्टेटमेंट वो होता है जो हमें किसी भी पार्टिकुलर डेट पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जबकि अकाउंट वो होता है जो ड्यूरिंग द ईयर की इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। फिर ये केवल और केवल समरी होती है किसकी, लेजर की। और ये हम क्यों बना रहे हैं, ताकि हम ये जान सके कि हमने किसी भी प्रकार का मैथमेटिकल एरर तो नहीं किया इसके अंदर लेजर बनाते वक्त। क्योंकि देखिए अगर हम लेजर बनाएंगे, लेजर बनाने के बाद उससे फाइनल अकाउंट बनाएंगे, बाद में हमें याद आएगा यार हमारे तो लेजर ही ठीक से नहीं बने, तो फाइनल अकाउंट ठीक से नहीं बन पाएंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं भाई, हम लोग एक रफ यानी वर्किंग पेपर बना पे लेजर की समरी उतार लेते हैं और देखते हैं कि भाई ये एक्यूरेट बने कि नहीं बने, क्योंकि लेजर जो होता है वो किसका पार्ट है, डबल एंट्री का पार्ट है। तो उस कंडीशन में डेबिट और क्रेडिट दोनों के दोनों क्या होंगे भाई, दोनों के दोनों मैच करने चाहिए। अगर दोनों के दोनों मैच कर रहे हैं, इट मींस लेजर जो है वो एक्यूरेट बने हुए हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या होती है भाई, ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। पहली बात तो ये कि हम क्लोजिंग स्टॉक को कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि भाई ये परचेज का पार्ट होता है ना। अब परचेज का पार्ट है, इसका मतलब क्या है कि भाई जब हमने गुड्स परचेज किए होंगे तो उसके अंदर ये क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड होंगे, है ना। अब इसलिए हम क्या करते हैं भाई, इसको इंक्लूड नहीं करते। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई हमें एडजस्टेड परचेज गिवन होता है ना, एडजस्टेड परचेज गिवन है। अब एडजस्टेड परचेज क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। इट मींस क्या कि हमने क्या कर रखा है भाई, एडजस्टेड परचेज में क्लोजिंग स्टॉक को हटा रखा है। अब जब क्लोजिंग स्टॉक को हटा रखा है तो हमें जरूरत है कि हम दोबारा से उसको दिखाएं। तो कभी कभी क्या होता है कि भाई हमारे पास क्या होता है, एडजस्टेड परचेज गिवन होते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो हमें क्या होता है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट साइड में दिखाना होता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर कभी कभी हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी गिवन हो सकती है ना। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जब भी गिवन होगी तो हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को तो दिखाना है डेबिट साइड में, लेकिन ओपनिंग स्टॉक को नहीं दिखाना है ना। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड नहीं करते हैं। कब इंक्लूड केवल और केवल उसी केस में इंक्लूड करेंगे जब एडजस्टेड परचेज गिवन होगा, है ना। क्योंकि भाई जो ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक होता है वो क्या होता है, वो परचेजेस का ही पार्ट होता है, ठीक है ना। अब अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होगा तो ओपनिंग स्टॉक को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब बात आती है कि ये जो ट्रायल बैलेंस है ये बनता कैसे है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए भाई हम लोगों को ना मॉडर्न अप्रोच आनी चाहिए। अब एक बार फटाफट से मॉडर्न अप्रोच को रिकैप करते हैं कि भाई मॉडर्न अप्रोच में हमने क्या पढ़ा था। देखिए मॉडर्न अप्रोच में हमने पढ़ा था कि भाई हमारे जो अकाउंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, 5 भागों में डिवाइड कर देते हैं। देखो
मॉडर्न अप्रोच में हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि भाई हम लोग क्या करते हैं भाई, असेट्स और एक्सपेंसेस, इनका जो होता है डेबिट बैलेंस होता है ना, डेबिट बैलेंस होता है, मतलब हमने क्या पढ़ा था, अगर ये बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं और घटते हैं तो क्रेडिट करते हैं। इसी तरीके से भाई हमने क्या पढ़ा था, कैपिटल, लायबिलिटीज और रिवेन्यू, ठीक है। अब इनका जो होता है ये क्रेडिट बैलेंस होता है। अब क्रेडिट बैलेंस होता है इसका मतलब क्या, अगर ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट करना है और घटेंगे तो डेबिट करना है ना। ये चीज पढ़ी थी हमने मॉडर्न अप्रोच में। अब क्या करेंगे भाई, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हमें इसी बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि हमने कहा कि भाई ट्रायल बैलेंस क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। अब स्टेटमेंट होता है तो उसका मतलब क्या कि ये स्टेटमेंट की तरह बनेगा। अब देखिए स्टेटमेंट में हमारे पास क्या आएगा कि भाई यहां पर तो हम लोग लिखेंगे कि भाई हमारे पास सीरियल नंबर है, ठीक है। यहां पे हम पार्टिकुलर लिखेंगे, पार्टिकुलर की जगह पे हम लोग हेड ऑफ अकाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। देखिए अगर कोई भी असेट होगी या एक्सपेंसेस होंगे उसको हमें इस वाले साइड में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास असेट्स हैं और एक्सपेंसेस हैं तो हम लोगों को क्या करना है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। और अगर हमारे पास कैपिटल है, ठीक है, और हमारे पास लायबिलिटी है और हमारे पास क्या है, रिवेन्यू, तो इन लोगों को हमें कहां पे रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में। अगर ये वाली दोनों की दोनों साइड जो है मैच कर जाती है, इट मीन्स क्या है कि भाई हमारा लेजर जो है वो एक्यूरेटली बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए ध्यान रखने वाली क्या बात है कि भाई असेट जो होती है उसके अंदर वो सारी चीजें इंक्लूड होती है, चाहे वो फिक्स असेट हो, चाहे वो टेंजिबल असेट हो, चाहे वो इनटेंजिबल असेट हो, चाहे वो करेंट असेट हो, सारी की सारी असेट ही कहलाती है। और एक्सपेंसेस के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होंगे। और क्या होगा, चाहे भाई हम इसको ऐसे करके पढ़ लें, चाहे हम बोले कि भाई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो असेट बन जाएगा, और असेट बन जाएगा तो डेबिट साइड में आएगा, है ना। अब कैपिटल तो हम लोग जानते ही हैं, लायबिलिटीज में भी भाई चाहे वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो चाहे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो, दोनों की दोनों, शॉर्ट टर्म मतलब करंट लायबिलिटी जैसे कि क्रेडिटर हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज होगी, उनका क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। और रिवेन्यू का मतलब क्या हो गया भाई, रिवेन्यू का मतलब हो गया जैसे कि सेल हो गई, किसी प्रकार की इनकम रिसीव हो गई, जैसे कि रेंट रिसीव हो गया, तो उसको हम लोग कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए भाई हमारे पास क्या है कि हम एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई हमारे पास क्या है कि भाई हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन है जिसमें मैं बस एक काल्पनिक इंफॉर्मेशन के जरिए आपको समझाता हूँ कि भाई हो क्या है। देखिए यहाँ पर मैं सीरियल नंबर लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा हेड ऑफ अकाउंट जो लेजर के ही है, और यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। जैसे मान लीजिए मैंने कहा वेजेस, है ना, अब मैंने वेजेस बोला तो वेजेस जो होते हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं। अब एक्सपेंसेस है तो कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाएंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब मैंने कहा सेल, अब सेल क्या है भाई, सेल तो रिवेन्यू है, अब रिवेन्यू है तो कहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी, यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी। बस समझ में आ रही है। जैसे मैंने बोला रेंट, अब मैंने बोला रेंट, रेंट क्या है भाई, रेंट एक्सपेंसेस है, अब एक्सपेंसेस है तो डेबिट बैलेंस होगा तो इधर आ जाएगा, है ना। अब जैसे मैंने बोला मशीनरी, अब मशीनरी क्या होती है, अब मशीनरी तो फिक्स असेट होती है, अब फिक्स असेट है तो डेबिट बैलेंस है, इस तरफ आ जाएगा, है ना। अब मैंने बोला कैपिटल, ठीक है, तो कैपिटल कहां पर आएगी, इस जगह पर आ जाएगी, ठीक है। अब क्या है, मैंने बोला भाई सन्ड्री क्रेडिटर, अब सन्ड्री क्रेडिटर क्या बोला, अब क्रेडिटर है तो ये क्या है भाई, हमारे पास लायबिलिटी है, अब लायबिलिटीज है तो कहां पर आ जाएंगी, क्रेडिट साइड में आ जाएंगी, है ना। अब देखिए क्या होगा कि भाई ये वाला बैलेंस और ये वाला बैलेंस दोनों आपस में मैच करेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों के दोनों बैलेंस मैच कर रहे हैं, इट मींस क्या हो रहा है कि भाई हमारे लेजर जो है वो एक्यूरेट बनेंगे। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है, वो हम बुक में देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए बात क्या थी, जब हमने इसको पढ़ा था तो हमने एक बात और भी पढ़ी थी कि कभी कभी क्या होता है कि भाई हमारे पास ये वाली साइड जो होती है बड़ी आती है और ये वाली साइड छोटी आती है ना। या हो सकता है कि भाई ये वाली साइड बड़ी है, ये वाली साइड छोटी है ना। क्योंकि उस टाइम पे वो क्या बोलेगा, उस टाइम पे हमें वो क्वेश्चन में वेरियंस देगा, है ना। वो क्या करेगा भाई, कुछ चेंजेस लेकर आएगा। जैसे वो बोलेगा कि भाई आप क्या करो, ओपनिंग स्टॉक निकाल के दिखा दो, ठीक है। या वो बोलेगा कि भाई किसी असेट की वैल्यू फाइंड करके बता दो, या कैपिटल की वैल्यू फाइंड करके बता दो, है ना। अब क्या होता है, जनरली वो हमसे कैपिटल ही पूछता है, तो हम लोग क्या करते हैं, असेट के टोटल में से
और जो भी हमारा मतलब डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो कैपिटल हो जाती है ना। अब ध्यान से एक और देखने वाली क्या बात होती है, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में हमें कैपिटल भी गिवन है। जैसे मान के चलिए भाई मैंने क्या किया, मैंने ये वाली साइड ले ली है ना। अब मैं इसको अब यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे कैपिटल गिवन दे रखी है ना। अब कैपिटल गिवन दे रखी है और मान लो मैंने जस्ट एक अमाउंट जो है वो अपनी मर्जी से अज्यूम कर लिया, यहाँ पे 7 लाख रुपए आ रहा है और मान लो भाई यहाँ पर 6,50,000 रुपए आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। अब मैंने क्या किया भाई, अब मैंने लेजर बनाए, अब लेजर बनाए, लेजर बनाने के बाद मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया। अब मुझे क्या है, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा है कि भाई ये जो 50,000 रुपए का डिफरेंस है वो किस वजह से आ रहा है, क्योंकि अब मुझे क्या करना है भाई, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिले ना हो जाए। तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि भाई क्योंकि मुझे अभी इस टाइम पे ध्यान नहीं आ रहा है, तो मैं ये जो भी डिफरेंस मेरे पास निकल कर आएगा मैं उसे एक नए अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, जिसे हम सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं, जिसे हम अभी जब हम रिवाइज करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तब उसके बारे में दोबारा पढ़ेंगे जो हमने